वसीम रिजवी की फिल्म के विरोध में किया विशाल प्रदर्शन। मुरादाबाद सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा हजरत आयशा पर गुस्ताखी अमोद फिल्म बनाने के विरोध में आज सुन्नी तंजीम पासवा ने मदारिस व मसाजिद की ओर से विशाल प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन माही में राष्ट्रपति को भेजा गया। सुन्नी तंजीम पासवा ने मदारिस व मसाजिद की ओर से भेजे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि वसीम रिजवी की इस फिल्म पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और वसीम रिजवी को उनके पद से बर्खास्त किया जाए और उन पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाए। यही मुतालबा है कि वसीम रिजवी ने जो ये काम किया है मुसलमानों के दिल को ठेस पहुँचाई है। बस हम यही कहना चाहते हैं कि हुकूमत हिंद उसके अहदे को छीने और उसे फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म दे और उसे कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, लिहाजा जिससे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रहे, शांति भाईचारा बना रहे। तो वहाँ जो गैर ऐलानिया तौर पर एमरजेंसी नाफिज है, लोगों को वहाँ तरह तरह की परेशानी आ रही हैं, तालीमी इदारे कारोबारी इदारे उनके बंद हैं, कर्फ्यू लगे हुए हैं, घरों में बाहर से कैद कर दिया गया है और उनको फाके पर और भूख पर मजबूर होना पड़ रहा है और इसी से बहुत से लोग मर चुके हैं, बच्चे बीमार मर रहे हैं। हुकूमत से हमारा मुतालबा है वहाँ फौरी तौर पर हालात जो हैं बहाल किए जाएँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनकी बहाल की।